उतारेंगे रुख भर के गुलाम, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। सानहे चेरिंग क्रॉस को 2 साल मुकम्मल, पुलिस के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश। यादगार शहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, आईजी पंजाब सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। अमजद जावेद सलीमी ने कहा, शहदा की कुर्बानी लाजवाब है, जानों की परवाह किए बगैर मुल्क का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएंगे, दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म कर रखा है। की कमी तो ज़ाहिर पूरी नहीं हो सकती किसी भी सूरत। ये ज़रूर मेरी दुआ है कि आप सब में कैप्टन मुबीन हो। शहदाए चेरिंग क्रॉस को खराज अकीदत पेश करने के लिए अल्हम्ब्रा हॉल में सेमिनार, ट्रैफिक वार्डन समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अहमद मुबीन की अहलिया खिताब के दौरान आपदीदा, सेमिनार में मौजूद लेडी ट्रैफिक वार्डन की आंखें भी नम हो गईं, तालियां बजाकर शहीद की खिदमात को सराहा। सीटीओ लियाकत अली मलिक की कैवलरी ग्राउंड में शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई फातिहा खानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अहमद मुबीन की वालिदा की भी शहीद बेटे की कब्र पर हाजिरी, दुआ भी मांगी। इतनी तनहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब मेरे पास है लेकिन मैं बिल्कुल तनहा, उम्मीद नहीं तो मुझे लगता दुनिया का कोई चीज मेरे पास नहीं है। सब घर वालों का बंदोबस्त करके अहमद मुबीन शहीद हो गया, मुझे तनहा कर गया। शहीद कैप्टन अहमद मुबीन की बूढ़ी माँ अपने लखते जिगर को याद करके अश्कबार, दबी और गमगीन आवाज में अपने बेटे की जुदाई की दास्तान लाहौर न्यूज को सुनाई। बड़ा फख्र महसूस होता है जब अपने बेटे का नाम शहीदों में सुनती हूँ। अहमद मुबीन का बचपन और जिंदगी का हर मोड़ आला था। शहीद के वालिदा की गुफ्तगू, किस्मत का धनी था, अल्लाह हर माँ को ऐसा बेटा दे। शादी हॉल्स के बाद बड़े होटल्स की भी शामत आ गई। बल्दिया उस्मा और एंटी करप्शन के मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी मार्केस पीसी होटल को 34 लाख, अवारी होटल को 14 लाख जुर्माना। जायदादें और लग्जरी गाड़ियों वाले सरकारी मुलाजमीन की भी छानबीन। एफबीआर ने टैक्स अदायगी के लिए 450 मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दिए। टैक्स देने के लिए 15 रोज की मोहलत। रिसाइकलिंग यूनिट न लगाने पर जिला इंतजामिया का एक्शन। आगफाल रोड पर सर्विस स्टेशन सील करने पर मालिक आग भगोला। इंतजामिया का शटर पर चिप्सा नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। नोटिस फाड़ने पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदालती हुक्म पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे, डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद के लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। सर्विस स्टेशन के मालिक के खिलाफ तोहिनी अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, 6 माह तक की सजा हो सकती है। अजहर सदीक एडवोकेट। सस्ते रमजान बाजारों में करोड़ों की हेरा फेरी। महकमा एंटी करप्शन ने गड़बड़ की तहकीकात शुरू कर दी। बोगस बिल्स के जरिए 38 करोड़ की अदायगियों का इंकशाफ हुआ। साल 2017 और 18 में रमजान बाजारों के लिए टेंट, एयर कूलर समेत दीगर सामान की खरीदारी की तहकीकात होंगी। महकमा एंटी करप्शन ने RTMO समेत कॉन्ट्रैक्टर्स को तलब कर लिया। सानहे साहिवाल पंजाब हुकूमत का JIT को 19 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सूबाई वज़ीरे कानून बशारत राजा की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास में JIT की तहकीकात का जायजा। ज्वाइंट एक्शन टीम रिपोर्ट जमा करवाने के बारे हाईकोर्ट को बाज़ाब्ता आगाह करेगी। JIT तहकीकात में अहम पेशरफ, मौके से मिलने वाले खून पुलिस एहलकारों की बंदूकों से मैच कर गए। वाकये के अहम ऐनी शाहिद डॉक्टर नदीम भी शामिल तफ्तीश। मनपसंद महकमों की सरबराही का मामला। तहरीक इंसाफ की खातीन अराकीन भी ग्रुप बंदी। क्यादत की खातीन को सुर्ख झंडी। खातीन ने वजीर आला से मुलाकात में तहफुजात का इजहार कर दिया। वजीर आला की तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी।
कैद में गिरफ्तार अलीम खान भी पंजाब असेंबली आएंगे। पंजाब असेंबली का इजलास 18 फरवरी को तलब करने की तजवीज़। अलीम खान के प्रोडक्शन ऑर्डर समेत दीगर मुसवदात पेश किए जाएंगे। महकमा कानून ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। नए साल पर नए एडमिशन्स करने दो, फेफ पार्टनर स्कूल इंतजामिया मुतालबात के लिए सड़कों पर आ गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत ने ना वाजिबात अदा किए ना ही नए दाखिलों की इजाजत दी। फेफ पार्टनर स्कूलों पर आई पाबंदी फौरी हटाई जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। गैरत के नाम पर हवा की एक और बेटी कत्ल हुई। मांगा मंडी में 18 साल लड़की के कत्ल का ड्रॉप सीन। लड़की के वालिद और भाई ने 18 साल शमा को कत्ल के बाद डकैती का रंग देने की कोशिश की। वालिद ने फायरिंग करके बेटी को कत्ल किया। 18 साल शमा के वालिद जुल्फिकार और भाई नदीम ने तराफे जुर्म कर लिया। तर्जुमान पुलिस, वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहा भी बरामद। खुद को दूसरों से मुनफरिद बनाने के लिए तालीमी काबिलियत बढ़ाना होगी। जिंदगी में कामयाबी के लिए कम्युनिकेशन बेहतर करें। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शबाना मुफ्ती का एफसी कॉलेज में ख्वाबों के साथ जुड़े रहें के मौजू पर खसूसी लेक्चर। कायम मुकाम अमरीकी सफीर जॉन डब्ल्यू पॉल का वफ्द के हमरा हजूरी बाग का दौरा। डी जी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की वफ्द को ब्रीफिंग। मेहमानों ने शीश महल समेत दीगर तारीखी इमारतें देखी। दुबई में PSL 4 का धूम धड़क का, लाहौर में बड़ी स्क्रीनों पर बराह रास्त दिखाने के लिए तैयारियां। जिले इंतजामिया ग्रेटर इकबाल पार्क गुलशन इकबाल पार्क में बड़ी स्क्रीन लगाएगी। जोहर टाउन जलानी पार्क में भी फुल स्क्रीनों पर मैच दिखाया जाएगा। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले जी, नजर चुरा के चले, जिसमें जान बचा के चले। तो चंद तेरे जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी जी, जी, जी। बने हैं अले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुनसिफी चाहे। फैज अहमद फैज का फैज आम जारी। अजीम शायर फैज अहमद फैज की 108वीं सालगिरह। उनकी शायरी उर्दू अदब का कीमती सरमाया। फैज अहमद फैज को निशान इम्तियाज निगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया।